तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्पॉइलर वीडियो को कवर करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो के इस चैप्टर के थोड़े से प्रीव्यू को देखेंगे, तो जिन लोगों को ये प्रीव्यू ना देखना हो वो वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करें अपने वीडियो पर आते हैं। प्यार क्यों नहीं करता, मुझे नहीं पता बच्चे कि तुम्हें किस तरीके की थेरेपी की जरूरत है, पर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें गले लगा लूँ तो। तभी वेजिटो अपने चारों गॉड स्लेयर ब्लेड नीचे लाता है और एकदम से ही केंजी को बीच में से काट देता है। वेजिटो इसके बाद आखिरकार अपने ब्लेड्स को हटाता है और हम देखते हैं कि केंजी की बॉडी हर तरफ से कटी हुई होती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके साथ ये हुआ है। केंजी इसके बाद बोलता है कि आखिर क्यों। वेजिटो के गॉड स्लेयर ब्लेड से केंजी की पूरी बॉडी कट चुकी होती है और हर तरफ से खून निकल रहा होता है। केंजी के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा होता है कि उसका ये नया दोस्त उससे पीछा क्यों छुड़ाना चाहता है। तभी केंजी बहुत तेजी से चिल्लाता है, आखिर कोई मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता। केंजी एकदम से ही खून के एक तालाब में बदल जाता है। उसके अंदर से फाउंटेन की तरह खून निकल रहा होता है जो कि हर तरफ फैल रहा होता है, और ये देख के वेजिटो भी हैरान था। ये खून एक तरीके की शेप लेने लग जाता है और हम देखते हैं कि ये एक हाथ की शेप में आ रहा होता है। वेजिटो एकदम से बोलता है कि ये क्या, ये एक बारी फिर से अजीब हरकतें कर रहा है। उस हाथ की वजह से हम देखते हैं कि वेजिटो की पूरी बॉडी के ऊपर एक शेडो आ गई होती है। वेजिटो बोलता है कि हो सकता है कि उसका डिफेंस कम हो गया हो, पर इसके पागलपन में जाने की वजह से इसकी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ये काफ़ी बुरा हो सकता है। तभी हम केंजी की बॉडी को दूर से देखते हैं। वो बोलता है कि ये देखो, केंजी की बॉडी तीन अलग अलग शेप ले चुकी होती है। पहली शेप होती है एक हाथ की और बाकी दोनों शेप होती हैं उसकी आँख की, और हम देख सकते हैं कि उसका मुंह भी उसके हाथ के अंदर ही होता है। केंजी इसके बाद बोलता है, तुम भी बाकी सभी की तरह ही हो, तो तुम भी बाकी सभी की तरह गायब भी हो जाओगे। जैसे ही केंजी ये बोलता है, एकदम से ही उसके बॉडी पार्ट्स मूव होते हैं और केंजी का खून एकदम से ही वेजिटो पे अटैक करता है और उसकी गर्दन को पकड़ लेता है। वेजिटो चौंक कर बोलता है, क्या। इसके बाद केंजी एकदम से ही वेजिटो को फेंक देता है। केंजी ने ये इतनी तेजी से किया होता है कि वेजिटो का चेहरा भी इससे पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। तभी डीमन एम्परर केंजी वेजिटो को एकदम से फेंक देता है और हम देखते हैं कि वेजिटो बहुत दूर जाके गिरने लग जाता है। केंजी बस नीचे से वेजिटो को देख रहा होता है। हवा में वेजिटो बोलता है कि मुझे ये जल्दी खत्म करना होगा क्योंकि वो लगातार ताकतवर होता जाएगा। तभी वेजिटो अपनी आंखें खोलता है और अपनी आंखें खोल के वो एकदम से ही चौंक जाता है। वो चिल्लाता है कि ये क्या, और जैसा कि लग रहा था हम देखते हैं कि केंजी उसके सामने होता है। केंजी पहले के मुकाबले और बड़ा हो चुका होता है और जमीन से लेके वेजिटो तक वो पूरा स्ट्रेच हो चुका होता है। वेजिटो चिल्लाता है, क्या फिर से। तभी हम देखते हैं कि केंजी अपने हाथ के नीचे वेजिटो को दबा देता है और वेजिटो पे ये अटैक इतना ज़बरदस्त था कि हम देखते हैं कि आसपास की सारी ज़मीन टूट जाती है। आखिर जब केंजी को लगता है कि वेजिटो हार चुका है, हम देखते हैं कि केंजी अपने हाथ को उठाने लग जाता है। केंजी का खून वापस जाने लग जाता है और हम देखते हैं कि आखिरकार वो अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है। केंजी बोलता है कि चलो, पहला स्टेप पूरा हो चुका है, तुम यहाँ से बस बाहर जाने ही वाले हो मिस्टर, अब खुश हो जाओ। और तभी हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो की हालत पिछले अटैक के बाद बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। वेजिटो बोलता है, मैं सही था, इस बच्चे की ताकत बदलती है और ये जितना नाराज़ होता है इसकी ताकत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा जब तक ये स्माइल कर रहा है। जैसे ही वेजिटो अपना प्लान बना रहा होता है, अचानक से ही उसे कुछ महसूस होता है। उसे समझ आता है कि वो जिस गड्ढे में पड़ा है वहाँ पर वो अकेला नहीं है। वेजिटो इसके बाद एकदम से खड़ा होता है और अपने आसपास देखने लग जाता है। वो देख के एकदम से ही चौंकता है, वो बोलता है कि ये क्या है। वेजिटो अपने आसपास देखता है कि हर तरफ स्केलेटन्स पड़े हैं। वेजिटो अपने आसपास देखता है कि हर तरफ किसी स्पीशीज के बॉडी पार्ट्स पड़े हैं और ऐसा लग रहा होता है कि ना जाने कितने सालों से ये स्केलेटन यहीं पे पड़े हैं। वेजिटो बोलता है कि इतनी सारी हड्डियाँ, यहाँ पर इस बच्चे से पहले आखिर कौन रहता था, क्या डीमन रेल में डीमन से पहले कोई और स्पीशीज रहती थी। इसके बाद वेजिटो ज़मीन से एक स्कल उठाता है ताकि वो नज़दीक से देख के समझ सके कि आखिर ये कौन सी स्पीशीज है। वेजिटो देखता है कि ये स्कल काफ़ी नॉर्मल है और इसके दो सींग भी निकले हुए हैं। वेजिटो देख के समझ जाता है कि ये स्कल किसका हो सकता है। वेजिटो बोलता है, नहीं, ये बस डीमन स्कल्स हैं, तो ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था, यहाँ पर और भी डीमन्स हुआ करते थे, पर आखिर क्यों, पर आखिर वो सभी मरे हुए और दफनाए हुए क्यों हैं, और आखिर ये बच्चा अभी भी यहाँ पर क्यों है। इसी के साथ दोस्तों, हमारे इस हफ्ते के स्पॉयलर्स यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं।
मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।